स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। गाड़ी हुंडई सेंट्रो जिंग है और आज की वीडियो में हम इसकी इंजन डायनेमिक मार को मैच करने वाले हैं। आप सब देखोगे इस जगह इसका पूरा सिस्टम है रॉकर आर्म का। इसके नीचे एग्जैक्ट सेंटर में इसके केम शाफ्ट लगा हुआ है और नीचे इसकी क्रैंक शाफ्ट है जो कंप्लीट ब्लॉक में होल्ड होता है। पूरा सिस्टम केम शाफ्ट इसके सिलेंडर हेड में होल्ड होगा। इस जगह इसका पूरा सिस्टम है टाइमिंग का। आप सब देखोगे इस तरीके से इस जगह इसकी टाइमिंग बेल्ट है, इस जगह इसका एडजस्टर है टाइमिंग बेल्ट एडजस्टर, ये इसकी केम्स पॉकेट है और सबसे नीचे वाली इसकी क्रैंक पॉकेट है। आप सब देखोगे इस तरीके से इसमें टीथ दिए हुए हैं, ये आप सब देखोगे। इस जगह इसके टाइमिंग बेल्ट है और ये इसकी केम्स पॉकेट है। आप सब देखो केम्स पॉकेट पे इस तरीके से एक मार्किंग दी जाती है जो इस सिलेंडर हेड के मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में होगा। ये पूरा सिस्टम ये आप सब देखोगे इस तरीके से, ये बिल्कुल मार्किंग इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में होगा, बिल्कुल सीध में होगा। ये इसकी केम की मार्किंग है, केम शाफ्ट की आप सब देखोगे। और नीचे इसकी क्रैंक शाफ्ट मार्किंग है, आप सब देखोगे। ये क्रैंक शाफ्ट का पूरा सिस्टम है क्रैंक स्पॉकेट का। आप सब देखोगे जो क्रैंक की मार्किंग है, ये पॉइंट आप सब देखोगे इसमें एक अलग से कट दिया गया है, एक डॉट दिया गया है इसकी क्रैंक स्पॉकेट पे पोले पे। आप सब देखोगे ये पॉइंट इस एरो के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तब जाके आप इसकी टाइमिंग लॉक कर सकते हो। आप सब देखोगे इस तरीके। इसके बाद इस जगह इसका पूरा सिस्टम है एडजस्टर का जो बेल्ट को कंप्लीट एडजस्ट करता है। और ये थी हुंडई सेंट्रो जिंग। इस तरीके से हम इसकी इंजन टाइमिंग मार्क को मैच कर सकते हैं। आप सब देखोगे इस तरीके से पेट्रोल इंजन है, 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन आप सब देखोगे। और इस तरीके से हम इसकी इंजन टाइमिंग मार्क को मैच करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितनी फिटिंग है टोटली सबको कंप्लीट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं।